हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग वंस अगेन। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं पाइथन सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बो बॉक्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि टिकिंटर लाइब्रेरी के थ्रू हम कॉम्बो बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और इसमें हम अपनी टिकिंटर लाइब्रेरी इम्पोर्ट करेंगे। टिकिंटर इम्पोर्ट स्टार, देन क्या करेंगे, यहाँ विंडो क्रिएट करेंगे किसके थ्रू, टिकिंटर कंस्ट्रक्टर के थ्रू। देन क्या करेंगे, यहाँ पर टाइटल देंगे टाइटल मेथड के थ्रू। तो यहाँ हमने टाइटल दिया, टाइटल हमने यहाँ सेट किया कॉम्बो बॉक्स। देन क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइज सेट करेंगे इस विंडो की। तो यहाँ पर हम लेंगे ज्योमेट्री और इसमें हम साइज देंगे 500x500। देन क्या करेंगे, इस विंडो को मेन लूप में सेट करेंगे, मेन लूप। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे। ये हमारा 78 एग्जांपल है, 78, और इसको टिक एंटर कॉम्बो बॉक्स। तो ये हमारी विंडो क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉम्बो बॉक्स के लिए हम सबसे पहले आइटम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेटा और यहाँ पर एक टपल क्रिएट करेंगे और टपल में हम कुछ आइटम लेंगे। सपोज मैं ले लेता हूँ अरविंद, देन चौधरी, देन यहाँ पर लेता हूँ नीलेश, आशीष एंड लखन। यहां पर मैंने ले लिया लखन। अब हम क्या करें, यहां पर एक वेरिएबल लेंगे और ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग वेरिएबल। देन यहाँ पर हम लेंगे वेरिएबल डॉट सेट, मीन्स हमारा कौन सा आइटम बाय डिफॉल्ट होगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अरविंद, ये बाय डिफॉल्ट आइटम होगा सेट वन। देन हम यहाँ क्या करेंगे, कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म ले लेता हूँ कॉम्बो बॉक्स। देन यहाँ पर हम लिखेंगे कॉम्बो बॉक्स। अभी हमें यहाँ सेट करना है कि किस विंडो के अंदर होगा। तो यहाँ हमने विंडो दे दी विन के अंदर। देन यहाँ पर हम इसमें वैल्यूज पास करेंगे और वैल्यूज़ में हमें पास करना है डेटा, मीन्स हमारा टपल। अब हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे, किस जगह सेट करना है। तो यहाँ हम देंगे प्लेस और इसको हम एक्स से देंगे 100 एंड वाई से इसको देंगे 100। अभी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। कॉम्बो बॉक्स नेम एरर इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहां पर हमें एक और लाइब्रेरी इसमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम tkinter.ttk import। अब या तो आप यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स भी दे सकते हैं या फिर आप इसमें स्टार दे सकते हैं। मैं यहाँ स्टार दे देता हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं।
ये हमारा कॉम्बो बॉक्स क्रिएट हो चुका है और इसमें आप देख सकते हैं आइटम हमारे सेट हो चुके हैं। तो ये था हमारा कॉम्बो बॉक्स और हमने देखा ठीक इंटर लाइब्रेरी के थ्रू कॉम्बो बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।